हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आप लोगों का काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आपने हिस्ट्री के गेस किए क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के भी किए, ज्योग्राफी का भी जो है आप कर दीजिए। तो आज के इस क्लास में जो है लघु उत्तरीय यानी ज्योग्राफी के लघु उत्तरीय कुछ हमने प्रश्न गेस किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि इसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको याद ही होगा। कुछ ही प्रश्न जो है ना आपको याद नहीं होगा क्योंकि हम आपको ऑलरेडी कोर्स में जो है ये सभी क्वेश्चन जो है ना दे रखे हैं जिसे आप याद कर चुके होंगे। तो चलिए, कुछ बचे होंगे, अगर इसमें से कोई प्रश्न आपका छूट गया होगा तो याद कर लीजिएगा। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी का है तो पहला है कि बेंदा समाज में वनों को क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जैव तकनीक से आप क्या समझते हैं। फिर है कि जन्म दर क्या है, ठीक है, जन्म दर क्या है। अपकर्ष कारक क्या है। नेक्स्ट है कि स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। फिर है साक्षरता को परिभाषित करें। फिर नेक्स्ट है सामूहिक कृषि कैसे की जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिक बस्ती किसे कहा जाता है और ब्राह श्रोस्त्रीकरण क्या है। और फिर है सड़क परिवहन के किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन यानी 10 में से 8 आप याद कर ही लिए होंगे, साहित्य कोनो जो है छूट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवारी पत्तन क्या है, कोई दो उदाहरण दीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच जो है अंतर आपको बताना है। अधिवास क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करना है आपको। भारत के किन्हीं चार खरीफ फसलों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। खरीफ फसल के नाम तो आप जानते हैं ना, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में अभी आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण के लिए किन्हीं चार विधियों का सुझाव बताइए, यानी जल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, चार वो विधि जो है ना आपको बताना है। भारत के चार अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों का जो है उल्लेख करना है, जहाँ पे अभ्रक निकलता है तो वो चार वो क्षेत्र आपको बताना है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख देना है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत मतलब लगातार विकास होता है उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम आपको बताना है, ठीक है। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। आकार के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। देखिए, उद्योग जो है ना बहुत सारे चीज़ों के आधार पर बांटा जाता है, पूंजी के आधार पर, आकार के आधार पर, मजदूरों के आधार पर, ये सब आपको ख्याल रखेला है। तो ये कहा है कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। आकार मतलब कि कोई बड़ा उद्योग होता है, कोई छोटा होता है, कोई जो है बीच में होता है, मांझिल जिसे कहते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। ध्वनि प्रदूषण के चार स्रोतों को बताइए, यानी ध्वनि प्रदूषण आवाज जो है प्रदूषित हो रहा है कैसे, चार को बतावेला है। तो आप कहेंगे डीजे बज रहा है सर, गाड़ी के हॉर्न है, बड़ी बड़ी जो है कंपनियां जो है मोटर जब चलाती है, जिसे इंजन चलाती है, तो ओकर आवाज निकलता है कि नहीं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। मुक्त व्यापार क्या है, मुक्त व्यापार के बारे में आप जानते हैं, जेकरा पे कोनो प्रकार के टैक्स नहीं लगता है एक देश से दूसरे देश से सामान ले जाने में। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम आपको बउआ के तरह बताए हुए हैं वीडियो में, इसका पीडीएफ नोट्स हम दिए हैं अपन हाथे से लिख के आपको। अब फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि याद नहीं है तो भाई आप बहुत पीछे छूट गए हैं, ठीक है। और आपको भी अभी ज़रूरत है कि अभी जो है, देखिए पूरा हम लोग साल भर जो है ना आर्ट्स के पूरा सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स 499 में बेचे हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए जो है हमने घटा के 99 रखा और बहुत सारे लोगों ने उसको लिया भी। अगर आप भी चाहते हैं तो दो दिन पहले, अभी दो दिन एग्जाम में बचल है, दो दिन में तो आपको 100 क्वेश्चन याद नहीं होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सब सब्जेक्ट है इसमें जो 99 का कोर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब है 99 में। एक सब्जेक्ट के समझिए तो 9 पड़ रहा है, बात समझ गए। चलिए अब जो कहाँ से मिलेगा, तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के दो कारण बताइए, यानी कि शिशु लिंगानुपात घट रहा है काहे? तो भाई बच्चियों को कोई जन्म नहीं देना चाहता है कि नहीं? ये सब बहुगा वाला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के चार प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम बताइए। महाराष्ट्र में कौन कौन से सूती वस्त्र उद्योग हैं, चार गो के नाम बताना है। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार मतलब टीवी, मोबाइल, ये सब से आप क्या समझते हैं बताइए। मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको बताना है। आप अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर, ये तो बहुआ वाला चीजें हैं। ये सब क्वेश्चन, जिसे सब के सब क्वेश्चन हम आपको बताए हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेड एक्सप्रेस का है। ओरिएंटेड एक्सप्रेस आपको बताना है कि क्या है। डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें, ठीक है। जल संभरण प्रबंध क्या है। भारत के चार लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के अभ्रक उत्पादक राज्य के भी नाम पूछा था और लौह अयस्क उत्पादक राज्य के भी नाम पूछा है, याद रखिएगा। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है। अंकीय विभाजक क्या है आपको बताना है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, ठीक है। भारत के किन्हीं चार प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम आपको बताना है कि चार गो जो है वो औद्योगिक जहाँ पे उद्योग होता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, फिर दिल्ली हो गया, यहाँ पे औद्योगिक ज़्यादा होता है ना, तो चार गो बताना है। भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। परिवहन के लिए जो है हवाई जहाज है, फिर रोड, जल, थल, ये सब सुने हैं ना, तो बहुत सारे हैं परिवहन के। आइए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले चार भौगोलिक कारण बताना है, यानी कि जनसंख्या जो है ना परिवर्तन होता है वो काची काची से इफेक्टिव होता है, मतलब उसको प्रभाव पड़ता है। मानव विकास क्या है आपको बताना है। एक बार पूछेगा कि मानव भूगोल क्या है, एक बार पूछेगा मानव विकास क्या है, ठीक है। कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। पीछे कहा तो पूछा था, तो पीछे कहा था आकार के आधार पर उद्योग को बांटना था, अब की कह रहा है कि कच्चा माल के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। दोनों में बहुत अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के जो है दो गो घटक, यानी जनसंख्या परिवर्तित हो रहा है ओकर दो गो कारण आपको बता देना है। दो चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। दो चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप का आपको उल्लेख करने आना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत के चार प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ है, पीछे भी पूछा था। ये वो पूछा था कि चार गो अभ्रक उत्पादक राज्य के नाम बताइए, और फिर पूछा था कि भारत के चार लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है, यानी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, यानी कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहने का मतलब कि भूमि है लेकिन वहां पे कृषि आप नहीं कर सकते हैं, वैसे भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, तो लिंग संरचना के बारे में आपको बताना है। पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर है, पत्तन और पोताश्रय में आपको अंतर बताना है। सब क्वेश्चन हम लिखवाए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, तो भू निम्नीकरण से जो है आपको हम पहले भी बताए हैं ना कि भू निम्नीकरण का होता है, ठीक है। जीवन निर्वाहक कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख करना है कि जीवन निर्वाहक कृषि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है बताना है। मुक्त आकाश नीति क्या है, मुक्त आकाश नीति आप जानते हैं ना, वेरी गुड। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताना है। मुख्य श्रमिक और सीमांत, मुख्य श्रमिक जो साल भर मजदूरी करते हैं, सीमांत श्रमिक जो घाटला में मजदूरी करते हैं, इसमें अंतर आप बताए थे, बहुत बढ़िया से समझाए हैं आपको। मानव भूगोल के चार उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो मानव भूगोल के चार उप क्षेत्र आपको लिखना है, ठीक है। ऊर्जा के नवीनकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में जो है अंतर आपको लिखना है। भारत के चार प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के आपको नाम लिखेला है, मालूम है भारत के चार प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम आपको आना चाहिए। मानव विकास के चार प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। लगभग 58 गो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में दो नंबर वाला क्वेश्चन 20 गो आता है, जिसमें से 10 गो ही बनावेला रहता है। हमें उम्मीद है कि अगर ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं ना, तो 10 गो क्वेश्चन तो आप पूरा बनाइए के आइएगा, पूरा हमें उम्मीद और विश्वास भी है। बाकी आप पहले से भी हमसे तैयारी कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पहले ही, हाँ ऑब्जेक्टिव जो है ना हिस्ट्री का हम करवा दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन बैंक और हिस्ट्री का करवा दिए हैं, एक ज्योग्राफी का बच गया है जो आज या कल जो है ना वो भी कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन बैंक में जितना ज्योग्राफी पूछा हुआ है सब आपको करा दें ऑब्जेक्टिव, और
इस बार जो है ना आप जो है कम से कम जो है 400 प्लस और ज्यादा से ज्यादा तो आपको पता ही है 480-70 आना चाहिए नंबर, ठीक है। तो बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं सर तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिन्हें ज्योग्राफी के जो है गेस क्वेश्चन नहीं मिले हुए हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।